वेलकम एवरीवन इन द कौन बनेगा ब्यूरोक्रेट सीरीज के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं, दिस इज द मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ द मैथमेटिकल एबिलिटीज। सो लास्ट टाइम अभी हमने मैथमेटिकल एबिलिटीज और हमने जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज करी थी, एंड आई होप सो आपने वो भी करी होगी और आपको काफी मजा आया होगा और आपने काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, दैट इज SSC, DDA, JSA, IBPS, IB, सो दिस टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और इसके अंदर भी आपको एक से बढ़कर एक अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड आई होप सो आप ये टेस्ट सीरीज से कुछ ना कुछ सीखते जरूर होंगे। सो अगर आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हमने 25 क्वेश्चन करे थे, इस बार हम करेंगे 15 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 40 सेकेंड, जिसके अंदर आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है और फिर लास्ट के अंदर आपको मेरे से रीचेक करना है। और हर एक करेक्ट आंसर पे आप अपने आपको +2 का रिवॉर्ड दीजिए, और हर एक गलत आंसर पे आप -0.5 की नेगेटिव मार्किंग कीजिए, ताकि लास्ट में हम टोटल करें और देखें कि किसके कितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हमारी 50 क्वेश्चन की रहेगी, तो इसके अंदर हम देखेंगे टोटल 30 मार्क्स की ये टेस्ट सीरीज रहेगी। देखते हैं किसके हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे और कौन इसके अंदर बेटर स्कोर करेगा। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होना है, तो ये मेरा चैनल है आकाशवश21, मेरा पेज है, और टेलीग्राम पे आकाश वैश्य आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। व अदरवाइज ये मेरे चैनल के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रूम इज 21 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इफ एच इज द हाइट ऑफ द रूम एंड एल इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो लेंथ ऑफ द रूम है वो आपको 21 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ है, और जो ब्रेथ है वो 4/3 टाइम्स है हाइट की। एच जो है वो हाइट ऑफ द रूम है, एल जो है जो कि लॉन्गेस्ट रॉड जो कि रूम में प्लेस की जा सकती है, तो हमें बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ऑप्शन ए है 12L इज इक्वल्स टू 29H, ऑप्शन बी है 9L इज इक्वल्स टू 25H, ऑप्शन सी है 7L इज इक्वल्स टू 23H, एंड ऑप्शन डी है 5L इज इक्वल्स टू 13H। सो आपको 40 सेकेंड मिले हैं, आप अपना क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करूंगा ही, उसके अंदर आप अपना आंसर मैच कीजिए, नहीं आता तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट भी जरूर बताऊंगा जहां पे मेरे को नीड लगेगी। तो चलिए योर टाइम इज ओवर नाउ, तो मैं अब आपको क्वेश्चन बताता हूं और इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले किसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज आंसर नंबर ए। तो चलिए समझने की कोशिश करते किस तरीके से कि जो लेंथ है आपकी रूम की वो क्या है, 21/16 टाइम्स है ब्रेथ की, और जो ब्रेथ है वो 4/3 टाइम्स है हाइट का, ठीक है। और जो हाइट है वो रूम की एच दी हुई है, और एल जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट रॉड जो कि आपकी रूम में प्लेस हुई है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैंने कहा है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो एल जो है वो लॉन्गेस्ट रॉड है, वो लेंथ नहीं है आपकी रूम की, ठीक है। सो एल क्या है, लॉन्गेस्ट रॉड। अब आप कंसिडर कीजिए जो रूम होता है वो आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, तो उसमें लॉन्गेस्ट रॉड कौन सी होती है। अगर आप लॉन्गेस्ट रॉड देखेंगे, अगर आपको रूम में प्लेस करनी है, तो लेंथ और ब्रेथ या हाइट पे नहीं, वो आपका डायगनल होगा, यानी डायगनली आपके रूम की सबसे ज्यादा लेंथ होगी, ठीक है, या साइड होगी जो आप कह सकते हैं, एक ट्राइंगल से भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा होता है ना, वो उसका, तो ऐसे ही क्यूबॉइड के अंदर लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमेशा डायगनल होती है। तो लेंथ ऑफ द डायगनल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो क्या होता है, √L² + B² + H² ये आपका क्यूबॉइड के डायगनल का फॉर्मूला होता है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो वो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया होता, ठीक है। तो देखिए हमने क्या दिया है, एच जो है वो हाइट गिवन है, ब्रेथ हमें दी हुई है 4/3 टाइम्स ऑफ हाइट, और लेंथ हमें क्या दी है, 21 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, और ब्रेथ मेरी क्या है यहाँ पे, ब्रेथ है 4/3 × H। तो ये मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, मैं जैसे प्लेस करूंगा तो 4 से 4, 4 4 16, 3 7 21, तो आपको लेंथ मिल जाएगी 7H/4। जब आपको मिल गया तो ये आपको एच पता चल गया, ये आपको ब्रेथ पता चल गई, ये आपको लेंथ पता चल गई। इन तीनों को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो एल की वैल्यू है 7H/4 का होल स्क्वायर, ब्रेथ है 4H/3 का होल स्क्वायर, एच को हम एज इट इज रखेंगे।
7 का स्क्वायर होता है 49 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, एंड देन 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज 16 एच स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एच स्क्वायर। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपका क्या आ जाएगा नीचे 144 आ जाएगा, 144 और ऊपर आ जाएगा 841 एच स्क्वायर। 841 अगर आप देखेंगे तो 841 किसका स्क्वायर होता है, 841 होता है 29 का। तो 29 एच डिवाइडेड बाय, और 144 किसका स्क्वायर है आपका 12 का। तो इधर से आप 12 को क्या कीजिए, 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे 12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 एल इज इक्वल टू 29 एच। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसके अंदर आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको डिटेल ब्रीफली मैंने बता दिया है। तो चलिए एक बार आपका मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। तो अगर क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड का TSA, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL, जहां पे जो आपका L है वो है लेंथ, B है ब्रेथ और H है हाइट। अगर CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है तो उसके अंदर आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 BH प्लस HL, यानी जो आपका टॉप और बॉटम है उसको आप रिमूव कर दीजिए, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ को हटा दीजिए। तो BH प्लस HL, इसमें से मैंने H कॉमन ले लिया तो आपका फॉर्मूला बना 2 into B प्लस L इंटू H। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको बताना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका L इंटू B इंटू H। देन अभी हमने क्वेश्चन में देखा डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड होता है आपका अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देन क्यूबॉइड कर लिया तो क्यूब को क्यूब पीछे छोड़ रहे, तो क्यूब के भी फॉर्मूले देखते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है आपका 6A स्क्वायर, क्योंकि 6 सर्फेस होते हैं। देन कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है आपका 4A स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है आपका A क्यूब, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल होती है क्यूब के अंदर। तो अगर इधर L इंटू बी इंटू एच है तो ऑब्वियसली A इंटू A इंटू A होगा। देन अगर डायगनल ऑफ द क्यूब अगर देखें तो होता है √3A, √3 × A। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपको याद रहने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन नंबर 2 इज आपके सामने है, दैट ABC इज अ ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल है, PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB एट P। PQ एक लाइन सेगमेंट है जो कि AB को P पे इंटरसेक्ट करती है, और AC इन Q, यानी Q जो है वो AC पे इंटरसेक्ट करता है। PQ जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो आपको दिया हुआ है AP इज टू BP, ये रेशियो आपको गिवन है 3:5, और BC की लेंथ आपको 48 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें बताना है कि PQ की क्या लेंथ होगी। सो ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 38 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 48 सेंटीमीटर। सो आपको क्या काम है, आप कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे इससे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़िया प्रैक्टिस कुछ नहीं होती है। तो इधर मैं आपको करा भी रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टेस्ट सीरीज में करा था, उधर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया था। सो योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, दैट इज 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। देखिए मजा आ रहा है ना, बिकॉज ये जो फॉर्मेट मैंने रखा है कौन बनेगा ब्यूरोक्रेट जो है, ये मैंने कौन बनेगा करोड़पति जैसा आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको पैसे नहीं मिलने हैं। आपको पैसे कब मिलेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज पूरी करके अच्छे से करके, आप जब टेस्ट देंगे, अपना फाइनल एग्जाम देंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर देखेंगे तो आंसर समझने के लिए, द आंसर इज ए, दैट इज 18 सेंटीमीटर। हाउ 18 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। सो आपके सामने ट्रायंगल प्रेजेंट है, तो आपको दिया हुआ है कि ABC आपका ट्रायंगल है, तो ये हो गया A, ये हो गया B एंड ये हो गया C। PQ एक लाइन सेगमेंट है, जो P है वो AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो Q है वो आपका AC पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और PQ जो है वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है। तो आप देख पा रहे होंगे AB और PQ क्या है, BC और PQ क्या है, पैरेलल है। आपको AP इज टू BP आपको गिवन है 3:5, एंड आपको BC की लेंथ गिवन है 48 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि PQ क्या होगा। चलिए आंसर समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर दो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो
तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होगी, आपस में प्रपोर्शनेट होंगी। ठीक है, तो इसमें मैं देख सकता हूं कि एंगल ए जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू और ए बी सी देखूं, यानी ए के छोटा ट्राइंगल ऊपर का और ए के पूरा ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करना चाहूं, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपका एंगल ए जो है वो आपका कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या होंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनेट होंगी, ठीक है, और इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या ऑल्टरनेट साइड आप बोल सकते हैं। तो ए पी अपॉन ए बी, सो ए पी मीन्स ये जो पार्ट है और ए बी मीन्स यानी ये जो पूरी साइड जो आएगी आपकी, ए पी अपॉन ए बी किसके पैरेलल होगी, किसके इक्वल होगी, दैट इज पी क्यू अपॉन बी सी के इक्वल होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ए पी आपको गिवन है, ए पी आपको 3 गिवन है, तो ए पी हमने 3 रखा, और ए बी क्या होगा, जब आप 3 के अंदर ये 5 ऐड कर देंगे तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी हमें गिवन है 48। सो 8 6 = 48, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 6 क्या होगा, 18। सो आंसर इज 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट याद रखना था, अगर आपको पता होता तो आप कर लेते। तो चलिए एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपको बता देता हूँ कि आपको कहते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर कोई भी लाइन एक ट्राइंगल की दूसरी लाइन से पैरेलल होगी, अगर हम क्रिएट करते हैं, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी था, इसके अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि किसके पैरेलल थी, बी सी के थी, ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड, जो कि दो बाकी की दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है, द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वही कह रहे हैं कि जो अदर बाकी की दो साइड होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, आपकी प्रपोर्शनेट होगी। तो इधर से आप बोलेंगे दैट इज ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। तो ये होती है आपकी बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपका 10th का कंसेप्ट है। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1421 × 1423 × 1425 इज डिवाइडेड बाय 12, यानी इन सबको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कि ऑप्शन ए कहता है 12, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4, या ऑप्शन डी कहता है 1। ठीक है, तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको जैसे भी समझ में आता है, यानी जब इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। आगे आप देखेंगे आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलना है, बिकॉज आज की टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन है मैंने बहुत ही टाइम लगा के मैंने सेट किए हैं, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। सो द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, दैट इज 3, 2 एंड 1। आपको इसके अंदर सिंपली डिवाइड करना था, लेकिन इसके अंदर अब आप ट्रिक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको किस तरीके से देखना है, सबसे पहले आंसर हम देखते हैं, आंसर इज बी, बी इज द आंसर, दैट इज 3 रिमाइंडर। देखिए किस तरीके से आपको ये पूरा नंबर जो है ये 12 से डिवाइड करना था। अब सबसे पहले मैं क्या कर दूं, सिर्फ 1421 को आप डिवाइड करिए 12 से। आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे होंगे 1421 × 1423, फिर जो आंसर आएगा उसको 1425 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए इतना टाइम आपके पास होता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप सेपरेट नंबर को डिवाइड कीजिए। तो 1421 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5। इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर देखेंगे 1423, इसको डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपको मिलेगा 7। देन 1425 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 9। अब आपको 3 मिल गए, 5, 7 और 9, किससे, जब 1421, 1423 और 1425 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको देखेंगे, आप क्या कीजिए, इन रिमाइंडर को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 × 7 × 9 आपको मिलेगा 315। अब तो आसान हो गया, 315 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमेन आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, यानी रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। इधर आप देख सकते हैं आपको आंसर क्या मिलेगा, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी आंसर आए तो आप देखेंगे, आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी अगर आप 12 × 6 करते ना
तो 12 × 6 आपको मिलता है 312, तो 12 × 26, 12 × 26 होता है 312, तो इसको आप करेंगे 312 को माइनस करेंगे 315 से, तो आपका रिमाइंडर बनेगा, बचेगा 3। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आई होप सो आपको, आपने इसके अंदर कंसेप्ट समझा होगा। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, सो यू कैन सॉल्व। नंबर थ्री आप सभी, क्वेश्चन नंबर फोर आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इज ₹3903 जो है वो ए और बी के अंदर डिवाइड हुए हैं इस तरीके से कि जो ए का शेयर है 7 साल बाद जो उसने अर्न करा है, और बी का शेयर जो कि उसने 9 ईयर में अर्न करा है, कंपाउंडेड एनुअली जो किस रेट पे, 4% पे है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। हमें बताना है ए का शेयर कितना होगा। सो आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आंसर करना स्टार्ट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ₹1828, ऑप्शन नंबर बी कहता है ₹1875, ऑप्शन सी कहता है ₹2075, या ऑप्शन डी कहता है ₹2028। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक अमाउंट गिवन है जो कि ए और बी में डिवाइड हो रहा है, और जो ए ने 7 ईयर में अर्न करा और बी ने जो 9 ईयर में अर्न करा है इंटरेस्ट, वो दोनों इक्वल है। कब? कंपाउंडेड एनुअली करा है, किस रेट पे, 4% के ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि ए का जो शेयर है वो कितना होगा। तो आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2028 इज द आंसर। देखिए किस तरीके से मैंने माना कि ए के पास कितने रुपीज है, एक्स रुपीज है, तो बी के पास कितने होंगे, 3903 माइनस एक्स, यानी अगर मेरे पास 10 रुपीज है तो ए के पास मेरे को नहीं पता कितने हैं, तो सपोज ए के पास एक्स रुपीज है इस 10 में से, तो बी के पास कितने होंगे, 10 माइनस एक्स ही तो होंगे। अगर ए के पास 7 रुपीज है तो बी के पास क्या होंगे, 3 रुपीज होंगे ना 10 में से। तो इसी तरीके से मैंने इधर लेट कर लिया, ए के पास एक्स है तो बी के पास क्या होंगे, 3903 माइनस एक्स। इधर आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर t। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन बना दीजिए, तो ए अभी मैंने लेट करा किस पास कितना प्रिंसिपल है, एक्स मल्टीप्लाई 1 + 4 upon 100 raised to the power 7, क्योंकि 7 ईयर्स के लिए करा था कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी था, जो भी शेयर उसका अर्न हुआ है। और बी का कितना प्रिंसिपल हो गया, 3903 माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में 1 + 4 upon 100 raised to the power 9, बिकॉज बी ने कितने ईयर्स के लिए करा था, 9 ईयर्स के लिए करा था। अब ये जो ब्रैकेट है ये राइट हैंड साइड जाके आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 और 9 सब्ट्रैक्ट होके कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 4 upon 100 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो जब आप इसे देखेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, तो आप लिख सकते हैं दैट इज 3903 माइनस एक्स मल्टीप्लाई नाउ 25 + 1 आपको मिलेगा 26/25 स्क्वायर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आपको सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो 26 का स्क्वायर होता है आपका 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया 676/625, ये क्या कीजिए, आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 जो डिनोमिनेटर में है वो आपका राइट हैंड साइड यानी इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 625। और 676 मल्टीप्लाई 3903 माइनस 676 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो +676। ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप हाथ से करेंगे तो जरूर होगा। आप देखिए तो 625 + 676 आपको कितना मिलेगा, 1301। तो 1301 x इज इक्वल टू 676 मल्टीप्लाई 3903। आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1301 से, तो आप देखेंगे 1301 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपको 676 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2028 यानी 2028। और ये क्या था, मेरा एक्स था, और एक्स मैंने किससे लेट करा था, ए का शेयर, तो ए का शेयर मेरा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2028। सो एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
और लास्ट के अंदर अभी हमें एक जैकपॉट क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी मॉक टेस्ट का फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने प्रेजेंट है। ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो हर कोई कर लेगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में भी हमने कर रखा है। तो अगर नहीं है तो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। आपको बतानी है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या वो 3 होगी, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या 1 होगी, ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या वो 4 होगी, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम वीडियो नंबर 1 यानी मॉक टेस्ट 1 में हम कर चुके हैं। उधर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था किस तरीके से आपको करना है। इधर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना होता है, ठीक है? चलिए, आपको हिंट मिल चुका है, जैसे कि केवीसी के अंदर लाइफ लाइन होती है ना, तो इधर भी आपको एक लाइफ लाइन के तौर पे आपको हिंट मिल चुका है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करना है और एक स्टेप में इसका आंसर निकालना है। सो योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, तो 3 2 1 एंड गो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन जिन्होंने निकाल लिया उन्हें तो पता ही होगा, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से, देखिए आपको क्वेश्चन में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वन बाय एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो आप एक्स को आप ए लेट कर लीजिए और वन बाय एक्स को आप बी लेट कर लीजिए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए को मैंने एक्स लेट करा, तो एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है 4। क्वेश्चन में देखिए ना, आपको 4 गिवन है। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × x × 1/x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 2, 2 को आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आ गई 4 − 2 विच इज इक्वल टू 2। अब आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। जब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। देखिए मैं दोबारा सॉल्व करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर आप फाइंड आउट कीजिए, तो वो क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x² प्लस 2, बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू आपकी आ गई थी, क्या आई थी आपकी, सॉरी इसकी नहीं, इसकी वैल्यू आपकी आई थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, अभी मैंने लास्ट में निकाली थी वैल्यू, वो आपकी आई थी 2। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये वाला 2 लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी आपको क्वेश्चन है तो इस तरीके से कंसेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 एंड 187 रिस्पेक्टिवली, यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है और लास्ट टर्म आपको 187 गिवन है, किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और सम ऑफ प्रोग्रेशन आपको गिवन है 1440 यानी 1440, देन हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने क्या था 11, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने प्रेजेंटेड 12, ऑप्शन नंबर सी 13, या ऑप्शन नंबर डी 14। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की गिवन है दैट इज 5 एंड 187, आपको सम भी गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दैट इज 1414, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ द 9th क्लास, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम वहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं। दो ही फॉर्मूले मेन होते हैं, एक आपका nth टर्म का और आपका सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है? तो टाइम इज ओवर नाउ, चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। द सॉल्यूशन इज आंसर नंबर सी दैट इज 13। देखते हैं किस तरीके से, अगर मैं कंसेप्ट वाइज की बात बोलूं तो सम ऑफ एन टर्म्स का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज एन बाय टू, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए प्लस एल होता है एक, तो
यानी एन बाय टू मल्टीप्लाई ए प्लस एल, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो तो एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस एल की जगह आप क्या लिखेंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी डी यानी डिफरेंस। देन आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, तो यानी a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, और लास्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 187। तो हम लगाते हैं सबसे पहले सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, जिसके अंदर n बाय टू ए प्लस एल होता है। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, n की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो n बाय टू ए की वैल्यू आपको 5 गिवन है और l की वैल्यू आपको 187 गिवन है, और सम ऑफ द n टर्म आपको क्या गिवन है, 1440। ठीक है, हम इधर से n की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले 2 इधर डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 प्लस 187 करेंगे तो आएगा 192, 192 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 5 को आप 192 से आप देख सकते हैं, तो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 2 9 18, 2 6 12, छोटे छोटे नंबर से कैंसिल आउट कीजिए, आपको आसानी होगी। देन 2 7 14, 2 2 4, 2 0 0, देन 2 3 2 4 8, 2 8 16, देन आप 3 से कर सकते हैं, 3 2 6, 3 4 12, 3 0 0, 3 1 3, 3 6 18, एंड देन 2 1 20, 2 8 16, देन 2 60, 2 4, एंड देन 4 15। तो इधर से आप देखेंगे n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 15। देखा, मैं सिंपल छोटे नंबर से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जिनको टेबल्स याद नहीं होते, तो अगर आप उससे भी करोगे ना जल्दी कैलकुलेशन होगी उससे भी, लेकिन आप टेबल याद करने बैठ जाओगे जिसको नहीं आता तो उसके लिए मुश्किल है। तो n की वैल्यू आपको इधर से 15 मिलेगी, और लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, लास्ट n की वैल्यू हमें पता चल गई, अब आपको लास्ट टर्म 187 गिवन है, तो लास्ट टर्म को मैं ए एन मान लेता हूँ। अब आपको एन की वैल्यू पता चल गई, तो ए की वैल्यू क्या है, 5, एन माइनस वन यानी एन आपका 15 आया, तो 15 माइनस वन क्या होगा, 14, मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई डी, और ए एन यानी लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 187। तो इसको 187 के इक्वेट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बनेगी, पहले 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 182, दैट इज 14 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 182 डिवाइडेड बाय ये 14 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखेंगे 14 14 13 का क्या होता है, 14 13 का 182। तो इस हिसाब से आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए कंसेप्ट, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपके फॉर्मूले आप सभी के सामने लिख दिए हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस एन माइनस वन डी, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है एन बाय टू, जब को लास्ट टर्म गिवन है दैट इज ए प्लस एल। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए कंसेप्ट आप सब जगह से पढ़ चुके हैं, बस हम इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं और मैं आपके कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ। अगर आप नए होते हो तब भी आपको इधर से 50 नहीं तो 60-70% समझ में आ जाता होगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन में से सॉल्व करते रहिए, काफी चीजें आप तभी सीख जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ लॉन्ग ट्रेन 300 मीटर टेक 25 सेकेंड टू क्रॉस द अनदर ट्रेन एक्स। एक 300 मीटर की ट्रेन है, 300 मीटर की ट्रेन है जो कि 25 सेकेंड लेती है क्रॉस करने में एक अनदर ट्रेन एक्स मीटर की जो है, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है उसकी। अगर जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है रिस्पेक्टिवली, तो हमें बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 350 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी 450 मीटर। दो ट्रेन है, एक की लेंथ 300 मीटर है तो दूसरे की लेंथ आपको एक्स मीटर गिवन है। जो ट्रेन 300 मीटर वाली वो 25 सेकेंड लेती है ट्रेन एक्स को क्रॉस करने में, और जो स्पीड है दोनों ट्रेन की आपको गिवन है, 300 मीटर वाली ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर और एक्स मीटर वाली ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। याद रखिए जो आपको ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में गिवन है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट सेम करनी है, यूनिट आप मीटर में करने की कोशिश कीजिए कन्वर्ट, क्योंकि आंसर आपका क्या है, मीटर में ही गिवन है।
तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आंसर देखते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 450 मीटर। यजमान जी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 450 मीटर। देखिए किस तरीके से आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंदर एक रिलेशन आपको पता ही है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा जो दोनों की लेंथ है उसको हम ऐड कर दिए, दैट इज 300 + x। अब रिलेटिव स्पीड का आपको कंसेप्ट पता है, जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो स्पीड आप ऐड कर दीजिए दोनों की, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो 72 + 36 आपको क्या मिलेगा, 108। ये क्या मिलेगा, किलोमीटर पर आवर यूनिट के अंदर, लेकिन मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5 × 18 से, और अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 18/5 से। तो इधर हम 5/18 से 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपकी सारी यूनिट सेम हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप कंसेप्ट लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का। तो डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया 300 + x होगा, स्पीड मैंने निकाल ली दैट इज 30, और टाइम आपको गिवन है 25 सेकेंड लेती है क्रॉस करने में। तो 30 × 25 आपको मिलेगा 750। अब ये 300 + x है, 300 आप माइनस कर दीजिए 750 में से राइट हैंड साइड ले जाके, तो आपको मिलेगा 450 मीटर। सो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 450 मीटर। देखिए ये तो ज्यादा लेंथी कंसेप्ट था भी नहीं, और ना ही इस क्वेश्चन के करने के लिए आपको 40 सेकेंड की जरूरत थी। आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते थे बिकॉज कैलकुलेशन भी इसमें आसान थी। सो एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड जब आपकी दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होती है तो जो उनकी स्पीड होती है वो उनका डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन जब वही दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनकी स्पीड का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड किस तरीके से निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन अगेन, कि दो नंबर पी और क्यू आपको गिवन है सच दैट कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि px² + 3x + q = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन है, इसमें p और q की कुछ वैल्यू है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो माइनस, इसके अंदर जो -6 है वो क्या है, सम ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। जो -6 है वो क्या है, सम भी है और प्रोडक्ट भी है किसका, इस इक्वेशन की रूट्स का। हमें बताना है p - q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लास्ट क्लास का कंसेप्ट है, लास्ट मॉक के अंदर हमने करा था। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि -1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, या ऑप्शन नंबर डी कहता है 3। तो देखिए सॉल्व कीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है। लास्ट क्लास के अंदर ही अभी हमने कंसेप्ट करा था कि क्या होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उससे हमने एक इक्वेशन बनाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो यहां आपको गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछिए p - q क्या होगा। तो अगर आप टेस्ट यानी मेरे साथ सीरीज को बहुत ही कंसंट्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन निगलेक्ट नहीं करेंगे और आप सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन और अल्फा बीटा उसके दो रूट्स हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c, ये मैंने जनरल फॉर्म लिया और इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दो रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो इनका जब सम करेंगे वो किसके इक्वल आता है, -b/a। माइनस बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशियंट, यानी बी जो है एक्स का कॉफिशियंट, और ए क्या है x² का कॉफिशियंट। तो सम ऑफ रूट्स आप बोल सकते हैं -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, यानी कॉन्स्टेंट अपॉन x² का कॉफिशियंट। तो सम ऑफ रूट आपको गिवन है -6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको गिवन है -6। तो सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है आपको इधर गिवन है, क्या है 3, बिकॉज बी की वैल्यू 3, तो -3/p। ए की वैल्यू क्या है, पी गिवन है, इसको -6 के इक्वल रखे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, पी को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, 6 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी 1/2।
ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, टू क्यू, तो सी की वैल्यू रखी टू क्यू अपॉन ए, ए की वैल्यू है पी। पी अभी मैंने इधर से निकाल लिया, पी की वैल्यू 1/2, तो पी को 1/2 पुट कीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4q = -6। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 4 को इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, तो क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3/2। पी और क्यू की वैल्यू आ गई, आपसे बोलता था पी माइनस क्यू निकालना है, तो पी यानी 1/2 -3/2, क्यू की वैल्यू है -3/2, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1/2 प्लस 3/2 आपको क्या मिलेगा 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर 2। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक मिनट, यस, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आई होप इधर आपको आंसर अलग मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, तो इधर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, तो घबराना नहीं चाहिए। तो इधर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दैट इज 2। देखो इधर मैंने खुद सॉल्व करा ना, तो इधर मैंने आंसर देख लिया, तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 कि ऑल द सर्फेसिस ऑफ अ 27 सेंटीमीटर क्यूब आर पेंटेड ब्लैक। जितने भी जो सरफेस है 27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये क्यूब की लेंथ की साइड गिवन है, एक साइड गिवन है 27 सेंटीमीटर, वो क्या है ब्लैक कलर से पेंट है, एंड देन कट इन टू स्मॉलर क्यूब, और फिर इसको 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, यानी कट कर दिया हमने इस 27 सेंटीमीटर वाले क्यूब के 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, यानी कट कर दिए पीसेस उसके। तो हमें बताना है कि जो कलर्ड क्यूब्स होंगे उनके अंदर कितने ऐसे क्यूब निकलेंगे जिसमें सिर्फ एक सरफेस पेंट होगा। यानी एक पहले आपके पास क्यूब था, आपने उस पर हर जगह पेंट कर दिया, अब आप क्या करिए उसको कट कर दीजिए, कितने 3-3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट कर, तो बहुत सारे हो जाएंगे क्यूब। अब आपको बताना है उसमें से कितने क्यूब होंगे जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर एक सरफेस क्या होगा, विल हैव ओनली वन सरफेस, एक सरफेस पेंट होगा। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 64, ऑप्शन नंबर बी कहता है 294, ऑप्शन नंबर सी कहता है 125, ये ऑप्शन नंबर डी कहता है 27। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे आपने एग्जाम्स में देखा होगा, काफी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको आने चाहिए इस तरह क्वेश्चन की, आपको क्यूब वाले क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, आपको कोई सी भी यूनिट गिवन हो सकती है साइड की, तो आपको पता होना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट मॉक में भी करा था, उधर हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, उधर आपको क्यूब गिवन था, सबसे पहले हमने साइड निकाली थी, अब आपको इधर साइड ऑलरेडी गिवन है, तब तो ये और आसान हो गया, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है आंसर देखिए इसका भी बाद में आप बताएंगे, ठीक है, तो आंसर भी बाद में देखेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना था इसे, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ एक सरफेस पेंट है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। जब भी आपको इस तरह के क्यूब वाले क्वेश्चन हो तब आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं। अगर आपसे पूछा जाए अगर दो सरफेस पेंट वाले अगर हम देखें तो कितने क्यूब निकलेंगे, तब आप ये स्क्वायर हटा देंगे, तो क्या करेंगे n-2 × 12। जब क्या हो, जब दो सरफेस पेंट हो, और जब तीन सरफेस पेंट हो तब हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर आपका 8 आएगा। आप आंख बंद करके 8 टिक कर दिया कीजिए, चाहे कोई सी भी लेंथ आपको गिवन हो, लेकिन अगर आपको गिवन हो 3 सरफेस पेंट वाले कितने होंगे तो वो आपके हमेशा 8 आएंगे। और नो सरफेस पेंट पूछा हो, यानी किसी भी सरफेस पे पेंट ना हुआ हो, तो आप निकालेंगे n-2 का क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, n क्या होता है आपकी लेंथ ऑफ द बिग क्यूब, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द बिग क्यूब, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द एज ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 294। देखिए किस तरीके से इधर हमसे वन सरफेस वाला पूछा था, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n-2 का होल स्क्वायर इंटू सिक्स, यानी n की वैल्यू क्या आएगी, बिगर क्यूब की क्या है आपकी साइड 27 और स्मॉलर क्यूब की साइड है 3, तो 27/3 क्या होता है 9 सेंटीमीटर, n की वैल्यू आ गई। सो n-2 यानी 9-2 क्या होगा 7, यानी 7² × 6, तो 49 × 6 आपको क्या मिलेगा 294। तो इस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट। तो आई होप सो आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया हो। आप इस टाइप का क्वेश्चन हम कहीं पे भी देखें आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पार्क देयर आर सम बर्ड्स ऑफ 2 legs एंड एनिमल्स ऑफ 4 legs। एक पार्क है उसमें 2 legs वाले कुछ एनिमल्स हैं और 4 legs वाले कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, 2 legs वाले बर्ड्स हैं, सॉरी। सो हमें बताना है, हमें दिया हुआ है कि जो टोटल हेड काउंट है, यानी अगर उनके हेड काउंट करें तो वो कितने हैं, तो वो है आपके 42, और अगर उनके लेग्स काउंट करें तो वो कितने हैं, 132। हमें डिफरेंस बताना है किसमें, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इन द पार्क। देन आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 14। तो एक पार्क है जिसके अंदर बर्ड्स हैं 2 legs वाले, एनिमल्स हैं 4 legs वाले, उनके हेड काउंट 42 गिवन है और टोटल काउंट ऑफ लेग्स अगर पूछे तो 132 गिवन है। हमें बताना है कि बर्ड और एनिमल की संख्या में, यानी नंबर ऑफ बर्ड माइनस नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी उन दोनों में कितना डिफरेंस है। अगेन ये तो आपका कह सकते हैं इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो चलिए टाइम ओवर हो चुका है, आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिन जिनका ऑप्शन ए आया उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, बर्ड्स को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ और एनिमल्स को मैं वायलेट कर लेता हूँ। अगर मैं हेड काउंट देखूं मैं, तो हेड तो सबके एक ही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बर्ड्स के दो दो मुंह होते हैं या तीन तीन सर होते हैं, या कोई एनिमल ऐसा जिसके 3 या 4 सर होते हैं। सबका हेड काउंट यानी सबका हेड एक ही होता है। तो इसकी इक्वेशन देखूंगा हेड काउंट की, तो वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। लेकिन अगर लेग्स में बात करूं तो 2 legs और 4 legs की, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो 2 legs किनके, बर्ड्स के, तो 2x, और 4 legs किनके हैं, एनिमल्स के, तो 4y। अगर पैरों से काउंट करूं तो अलग अलग दिखेंगे ना, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 132। इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, सेकंड जो इक्वेशन है इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 66। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, मेरा जो x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या देगी आपको, 24 आ जाएगी। y की वैल्यू 24 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर दीजिए, तो मैं फर्स्ट में पुट करके वैल्यू निकालूंगा, तो 42 माइनस 24 आपको मिलेगा 18। 42 माइनस 24 18 मिल जाएगा। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे, तो क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स और एनिमल्स आपको बताना है। तो बर्ड्स आपने निकाल लिए, x माइनस वाई आपको करना है, तो बर्ड्स हैं आपके 18 और एनिमल्स है 24, तो 24 माइनस 18 क्या होगा, 6। तो आंसर क्या आ गया, ए, दैट इज 6 इज द आंसर। सो आई होप सो आपको समझ में आया। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, आप सभी के सामने प्रेजेंट है कि एक ट्राइंगल इज मेड ऑफ यूजिंग अ वायर। एक ट्राइंगल है जो कि वायर से बना हुआ है, और जो लेंथ है और ब्रेथ है उस ट्राइंगल की वो आपको गिवन है, वो है 4:3। 4:3 आपको लेंथ इज टू ब्रेथ की रेशियो गिवन है, और एरिया आपको गिवन है 3888 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, रेक्टेंगल का एरिया। अगर हम वही सेम वायर को बेंड करके सेमी सर्कल बनाते हैं, तो हमें बताना उस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। सो ऑप्शन ए कहता है 2123 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3431 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी 3351 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल बना है एक वायर से, और उस रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है और एरिया गिवन है। अगर उस सेम वायर से हम सेमी सर्कल बनाते हैं, तो उसका एरिया, उस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको एरिया, पेरीमीटर, इन सब का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3773। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, कोई नहीं, रुकिए जरा, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट। तो देखिए आपको एक वायर गिवन है,
ठीक है, उससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और आपको एरिया बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं वायर की लेंथ निकालूंगा ना, वायर जो है वो मेरी क्या है, इस रेक्टेंगल के चारों तरफ यूज हो रही है, यानी सबसे पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ पता होने चाहिए, लेकिन मेरे को लेंथ और ब्रेथ की रेशियो गिवन है और एरिया गिवन है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से सबसे पहले मैं इस रेशियो में वैल्यू निकालूंगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4x मल्टीप्लाई 3x कर दीजिए तो आ जाएगा 3888 इक्वल्स टू कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x2। सो 12 से जब आप 3888 को कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई। अब आप क्या कीजिए, लेंथ और ब्रेथ निकालिए, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ है आपकी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 18, और ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ आपकी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, तो ब्रेथ आपकी आ जाएगी 54 और लेंथ आ जाएगी 72। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, यानी अगर मेरे को लेंथ निकालनी है वायर की तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है आपका, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल मेरा 72 और बी है मेरा 54, इनको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 252, यानी वायर की लेंथ कितनी है, 252 है। अब मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। अब जो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो वायर है उससे मेरे को रेडियस निकालना पड़ेगा ना सेमी सर्कल का, और वो वायर कहाँ यूज होगी सेमी सर्कल बनाने में, अगेन बाउंड्री पे ही यूज होगी। सेमी सर्कल इस तरीके से होता है, अगर मेरे को वायर से सेमी सर्कल बनाना है तो वो बाउंड्री पे यूज होगी ना, तो आपको पेरीमीटर बोल लीजिए आप या सर्कमफेरेंस बोल लीजिए सेमी सर्कल का, तो वो क्या होता है, पाई प्लस टू डिवाइड पाई प्लस टू इंटू रेडियस, पाई प्लस टू इंटू रेडियस, ठीक है, इसको किसके इक्वल रख देंगे आप, 252 के इक्वल रख देंगे। तो इधर से आप पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और आर की वैल्यू आप मिल जाएगी, तो आर आपको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। पाई आप 22/7 प्लस टू करिए इक्वल्स टू 252, यानी आप क्या करेंगे, 252 मल्टीप्लाई 7/22 आप करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 49। अब आपसे एरिया पूछा था सेमी सर्कल का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर की वैल्यू मैंने 49 निकाली, तो पाई मल्टीप्लाई 49 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आप करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका आ गया। आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एक आपको वायर थी जिससे कि रेक्टेंगल बना हुआ था, अब वायर से सबसे पहले मैंने कह रहा लेंथ ऑफ वायर निकाली, लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालूंगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल के। अब इस वायर से जब मैं सेमी सर्कल बनाऊंगा तो कितना रेडियस बनेगा इस सेमी सर्कल का, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके फॉर्मूले समझाता हूँ। तो फॉर्मूले आप देखिए कंसेप्ट डिवाइजर के अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है ना पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल उस जो ए सर्कल का होता है वो हाफ ही तो होता है, तो आप क्या कीजिए इस एरिया का हाफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप पेरीमीटर बोलिए, सर्कमफेरेंस बोलिए सर्कल का, क्या वो क्या होता है, 2 पाई आर। आप पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या बोलेंगे, वो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूं तो क्या है, देखिए इस तरीके से सेमी सर्कल है तो इसके अंदर क्या होगा कि ये पाई आर क्या, पाई आर तो इतना हो जाएगा ना। अब जो रेडियस है, अब जो वायर है वो यहाँ पे भी यूज हो रही है ना, देखिए डायमीटर की साइड पे, तो क्या है ये भी आर ये भी आर, तो ये भी तो यूज होगा, तो पाई आर यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आर भी तो करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, पाई आर प्लस 2 रह जाएगा, आर ऑफ कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा ना। तो इस तरीके से आपका पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो इस तरीके से आपका पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल बना है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में मजा तो बहुत आया होगा, क्योंकि आपने काफी कुछ चीजें इसमें सीखी हैं, ठीक है। चलिए अपना देखते हैं लास्ट फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 12th है ना, 15 क्वेश्चन करने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ग्राफिक भी बहुत अच्छे हैं। तो एक आपको बार ग्राफ गिवन है, ठीक है, बार ग्राफ भी आपके सामने प्रेजेंट हो गया है, जो कि स्टूडेंट का, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाता है जिन्होंने ए बी सी और डी कोर्स ऑप्ट करे 3 साल के कॉलेज के अंदर,
ठीक है, तो 2001 के अंदर, 2007 के अंदर, 2012 के अंदर ए बी सी डी चार कोर्स जितने भी बच्चों ने, स्टूडेंट ने ऑप्ट करे हैं, तो वो आपको इस ग्राफ के माध्यम से दिख रहा होगा। हमसे क्या पूछा है कि 2007 के अंदर, 2007 के अंदर कितने बच्चों ने ये चार कोर्सेज जो हैं, हमें बताना है, एवरेज बताना है 2007 के अंदर, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कि ये चार कोर्स के जो बच्चे हैं इनका एवरेज बताना है 2007 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 2.5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1.5, ऑप्शन नंबर सी 2.2 या ऑप्शन नंबर डी 2.7। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको एवरेज निकालनी है 2007 ईयर के अंदर। ए जो बता रहा है वो आपका येलो कलर का ग्राफ है, जो थोड़ा ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा वो है बी ग्राफ, जो पर्पल कलर दिख रहा होगा वो है सी का ग्राफ, और जो ऑरेंज या रेड टाइप आप बोल सकते हैं वो है आपका डी का ग्राफ। आपको 2007 में चारों कोर्सेज में जितने बच्चों ने ऑप्ट करा है उनकी एवरेज आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, बिकॉज ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको 40 सेकेंड की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा है, बिकॉज आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। हाँ, ग्राफ के किस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ग्राफ समझ लिया, 2001 के अंदर जो ए कोर्स है वो 4.5 स्टूडेंट ने ऑप्ट करा, जो बी कोर्स है वो 2.5 स्टूडेंट ने ऑप्ट करा, जो डी सी कोर्स है वो 3 स्टूडेंट ने ऑप्ट करा, और जो डी कोर्स है वो 5 स्टूडेंट ने ऑप्ट करा। इसी तरीके से 2007 और 2012 में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा था 2007 में कितनों ने ऑप्ट करा, उनकी एवरेज निकालनी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आप देखेंगे 2.5 इज द आंसर। किस तरीके से एवरेज पूछा था भाई, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 2007 में जितने भी आपके जो डाटा गिवन है, 2.5, 1.5, 5 और 1, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितने कोर्स है, चार कोर्स है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 2.5। यही तो आपसे पूछा था, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए ग्राफ के, तभी आपसे हो पाएंगे, बिकॉज ग्राफ के क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगता, मेनली आपका मीन, मोड, मीडियन इनसे ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते। अब देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब भी ना करें, तब वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं मिल पाता ना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, नीचे कमेंट में बताइए भी आपको समझ में आता है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 अगेन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, कि आपको जो तीन नंबर्स हैं एपी में उनका सम आपको -6 गिवन है, और जो उनका प्रोडक्ट है वो 24 गिवन है। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कॉमन डिफरेंस की, हमें बताना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन तीनों में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है -6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 या ऑप्शन नंबर डी कहता है -8। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन जो टर्म्स हैं उनको आपको सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, आपको उसमें से स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर, उन तीनों में से, उन तीनों टर्म में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको बताना है। सो ए बी सी डी में से आप जल्दी से एक ऑप्शन टिक कीजिए, और फिर हम देखते हैं क्या आपने सही करा है या गलत करा है। आप एंड तक पहुंचने वाले हैं, लास्ट में टोटल जरूर बताना है, हाँ, कितना स्कोर करा है आउट ऑफ 30 में से। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन इज आंसर नंबर ए, दैट इज -6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जिन्होंने तुक्का लगाया होगा उनका भी सही निकला होगा, है ना। तो देखिए, तीन नंबर लेट करने थे, तो मैं क्या लेट करूंगा, ए माइनस बी ए और ए प्लस डी। आप ए प्लस बी और ए प्लस 2D भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए ऐड करा क्योंकि सम निकालने में आसानी हो जाती है, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो देखिए माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3A इज इक्वल टू -6, क्योंकि आपको सम क्या गिवन है, -6 गिवन है ना, तो ए की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें डी रह गया, डी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट से निकलेगा, तो आपको प्रोडक्ट करना है ए माइनस डी ए इंटू ए प्लस डी, कितना गिवन है आपको, 24 गिवन है। ठीक है, अब ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किसके इक्वल होगा, वो होगा 24 के इक्वल। ए की वैल्यू आपकी -2, तो ए की वैल्यू आप पुट कीजिए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होगा, ए की जगह पे -2 पुट करा, तो
अगेन आप क्या कीजिए, इस माइनस टू को राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो 24 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा -12, फिर 4 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, तो डी स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। अब जब स्क्वायर हटता है तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आती है, लेकिन हमें क्या बोला, कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो डी की वैल्यू यानी 16 किसका स्क्वायर है आपका 4 का, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। अब फर्स्ट टर्म मैंने ए माइनस डी लेट करी थी, तो माइनस टू यानी ए की वैल्यू माइनस टू, डी की वैल्यू माइनस फोर, तो बन गया माइनस सिक्स। ए यानी बीच के टर्म होगी माइनस टू, और ए प्लस डी माइनस टू प्लस फोर हो गया टू। इन तीनों में से आपका सबसे छोटा नंबर क्या है, माइनस सिक्स, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट था, आपको पता होना चाहिए, ये एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ एन टर्म होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और आपका सम का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म जब आपको गिवन हो, तो इधर से भी आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने प्रेजेंट है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस रूट 3 और बी इज 1 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3, तो आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद आपको एक बार खुद ट्राई करना चाहिए, हाँ इस क्लास के बाद आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक होमवर्क के अंदर लिख लीजिए, तो इसके ऑप्शंस आपको गिवन है 6, बी गिवन है 2√3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 9√3। इसका जो सॉल्यूशन है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और उसके बाद हम देखेंगे अपना जैकपॉट क्वेश्चन। ओके, कहीं भागिएगा मत अभी। देखिए अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक फिगर आपको सामने प्रेजेंट होगी अभी, ठीक है, उसमें DE जो है वो टेंजेंट है सर्कल का विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, DE उसका टेंजेंट है, इफ एंगल ACD इज 50 डिग्री, आपको ACD एंगल इस फिगर के अंदर ACD एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है और एंगल AOB आपको 140 डिग्री गिवन है, आपको वैल्यू बतानी है OAC की वैल्यू। ठीक है, OAC की वैल्यू आपको बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या वो 30 डिग्री होगी, ऑप्शन नंबर बी कहता है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री या ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको एंगल की वैल्यू बतानी है, आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको सर्कल गिवन है, डी उसका टेंजेंट है, ठीक है, ओ सेंटर है, ए सी डी एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, ओ ए ओ बी एंगल आपको गिवन है 140 डिग्री, तो आपको वैल्यू बतानी है ओ ए सी की, एंगल ओ ए सी क्या वो 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको तो बस कैलकुलेशन करनी और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इज आंसर इज, आंसर करने से पहले देखिए इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो दो थ्योरम मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ट्रायंगल के, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखें सर्कल वाला, तो सर्कल टेंजेंट थ्योरम दो मैं आपको बताता हूँ, वो कहती है कि पहली थ्योरम कि द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर कोई आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर में सर्कल के, वो किसका डबल होता है, वो डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी जो एंगल इधर बन रहा होगा वो किसका डबल होगा, इसका डबल होगा, यानी ये जो एंगल सी एक्स बना रहा होगा तो एंगल ओ कितना आएगा, एंगल ए ओ बी आपका आएगा 2x, यानी ये डबल होगा हमेशा। पहली थ्योरम समझ लिया आपने कि जो एंगल बना रहा होगा सी सी जो नीचे वाला एंगल बन रहा होगा, अगर ये एक्स है तो ओ एंगल कितना आएगा, 2x आएगा, हमेशा डबल होगा हमेशा। ठीक है, देन सेकेंड थ्योरम आपको कहते कि अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, जो एंगल बनाता है टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड मीन्स अगर जो ये एंगल है मेड बाय द इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी यही जो कॉर्ड जो दूसरे सेगमेंट पे बना रही होगी वो इसके इक्वल होगा, यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, अगर ये एक्स है तो ये पूरा एंगल भी एक्स होगा, कब,
ये सेम सेगमेंट, ये सेम कॉर्ड के इर्द गिर्द बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी दोनों थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम का आपको यूज करना था। चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं, आंसर देखेंगे। तो आंसर इज बी, बी इज करेक्ट। देखिए ओ ए ओ बी आपके क्या है, इधर आपके रेडियस है, ठीक है। ओ ए ओ बी आपको पता है इधर रेडियस है, और ए ट्रायंगल ए ओ बी जो बन रहे हैं वो आइसोसेलेस है, क्योंकि ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। एंगल क्योंकि क्या है, इधर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होंगे ना, आपस में इक्वल होंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी यानी ये एंगल आपको क्या गिवन है, 50 गिवन है, और एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी ये एंगल आपको कितना गिवन है, 140 गिवन है, 140 गिवन है। तो देखिए ये जो अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा है इसके तो हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस बन रहा है, दो एंगल्स इक्वल है। तो मैंने क्या, मेरे को पता है सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर मैं लगाऊंगा तो दो एंगल यानी ये दोनों तो मेरे इक्वल है, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, तो 2x प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी आपको पता कितना गिवन है, 140 डिग्री। तो 140 आप 180 में से माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 40 डिग्री मिलेगा। 40 डिग्री को अब क्या कीजिए, ये था 2x, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे आपको ये कितने एंगल मिल जाएंगे, 20 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको मिल जाएंगे 20 डिग्री, यानी ये दो एंगल आपको मिल गए 20 डिग्री। अगर अब हम कॉन्सेप्ट लगाएं, चलिए आगे बढ़िए, अगर आप कॉन्सेप्ट लगाइए तो एंगल बी सी ई यानी एंगल बी सी ई, बी सी ई ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ई 180 माइनस एंगल ए सी बी, यानी ये तो आपको 50 डिग्री गिवन है, ये आपको 50 डिग्री गिवन है। जो एंगल ए, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको पता लग जाएगा, अगर ये आपको 40 गिवन है, 140 गिवन है, तो नीचे जो एंगल होगा ये कितना होगा, 70 होगा ना, क्योंकि अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो ऊपर वाला एंगल होगा हमेशा जो क्या होगा, डबल होगा किसका, नीचे वाले एंगल से। तो ये 70 हो गया, ये 50 हो गया। तो लीनियर पेयर की थ्योरम अगर लगाएं तो एक लाइन पे 180 बनता है, तो 180 में से आप 70 माइनस 50 कर दीजिए, तो 180 में से 70 और 50 को माइनस करेंगे तो मेरा ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब जो मेरी सेकेंड थ्योरम थी, सेकेंड थ्योरम में लगाता हूँ, ये मेरा 60 आ गया, ये मेरा 50 आ गया, ये मेरे 20-20 आ गए दोनों एंगल, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट लगाऊं तो एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी होगा, एंगल बी सी ई बी ए सी के इक्वल होगा, यानी ये पूरा भी किसके इक्वल होगा, ये पूरा 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए ना, अभी मैंने बताया था आपको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए उधर मेरे से शायद बताने में गड़बड़ हो गई आपसे, सेकंड थ्योरम कह रही थी कि जो इधर एंगल बनेगा, सेकेंड थ्योरम आपको कह रही थी जो ये नीचे एंगल बनेगा कॉर्ड और टेंजेंट का, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो इस मुताबिक मेरे को क्या करना था, मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है, बिकॉज वो ए सी फाइंड आउट करना है ना, तो मेरे को इतना एंगल तो पता है, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये मैंने निकाल लिया 60 डिग्री। 60 में से मैं क्या करूं, 120 को माइनस करूं, बिकॉज 20 और नीचे वाला एंगल मेरे को एंगल ए ओ सी, मेरे को ओ ए सी मेरे को फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं, तो 20 में 60 में से 20 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 40 डिग्री। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या हो गया, बी दैट इज 40 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये जो एंगल है, अगर ये एक्स है तो ये एंगल होगा 2x होगा, अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, वाई होगा। तो मेरे को ये एंगल 140 गिवन था, तो नीचे मेरा 70 डिग्री आ गया, ये मेरे को 50 गिवन था, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, 60 डिग्री को मैंने इस पूरे एंगल A के इक्वल रख दिया, तो इधर से मेरी वैल्यू आ गई ओ ए सी की, ठीक है। एक बार आप रिवाइंड करके सुनने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास और टुडे लेक्चर, अभी जाना नहीं, अभी जैकपॉट क्वेश्चन बचा है, तो जैकपॉट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 21% फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 21% पे 2 ईयर्स पे आपने अर्न करा है, ठीक है, वो क्या है आपका 6961.5। अब हमें बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट जो कि सेम रेट पे और सेम टाइम पीरियड पे है, तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 6300, ऑप्शन नंबर बी कहता है 6500, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6000, ये ऑप्शन नंबर डी 6750।
तो ये आपको तसल्ली से आपको ट्राई करना है, और अगली वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।